आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। चुनावी घोषणा होने के बाद से बीजेपी, सपा और बसपा ने अपनी अपनी लिस्ट भी उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल करना शुरू कर दिया है। और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों से जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों से जहां पर एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहीं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 जिलों से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर औरैया, मैनपुरी और बांदा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रत्याशी है वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं पर आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें महोबा, संबल और फिरोजाबाद से सामने आई हैं, जहां पर प्रत्याशी अपनी जीत की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पर्चा भरने के लिए प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से नामांकन प्रक्रिया के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी, सभी जगह पर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा पेश किया है। तो समाजवादी पार्टी में जो विकास हुआ है, और इसमें तो भाजपा में केवल उन्होंने नाम बदले हैं और जो काम हुआ है उसका उद्घाटन किया है। समाजवादी पार्टी में मेट्रो का हुआ है, ये एक्सप्रेस वे बने हैं हर जगह, मेडिकल कॉलेज इस और औरैया में जिला अस्पताल बना है, बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत हाईवे बने हैं। इतना सारा काम हुआ है कि वो उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, केवल शिलान्यास किए, नाम बदले और अपने नाम के पत्थर लगाए। मुझे श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भेजा है सेवा और भाव के लिए। सबसे पहले मैं महिला हूँ, महिलाओं का मुद्दा लेके चलूँगी आगे, उन्हें सशक्त करने का काम करूँगी, बेटियों के सुरक्षा की बात करूँगी और युवाओं की बात करूँगी, किसानों से आवारा पशु से परेशान है उन्हें छुटकारा दिलाने का काम करूँगी। जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो हमें कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा 107 से हमें जो प्रत्याशी बनाकर भेजा है, हम लोग गांव गली, झुग्गी झोपड़ी और जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको हम लोग जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री ने यहां कोई काम नहीं किया। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे और माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री भी रहे। जिला मैनपुरी को कोई ऐसा उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया जिससे लोगों को रोजगार मिलता। हमारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाली और लैपटॉप युवाओं को दिया जाएगा, सिंचाई के साधन का प्रबंधन किया जाएगा। हमारे मुद्दे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले हैं वही मुद्दे हैं हमारे, कि घरेलू में 300 यूनिट बिजली मुक्त और कृषि उपयोगी में टोटल बिजली मुक्त है। क्षेत्र में इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, कल वोटिंग करा दे अगर गवर्नमेंट तो समाजवादी पार्टी जीत के आई। मुद्दे ही मुद्दे हैं चुनाव में, मुद्दे आप खुद देखते चले आ रहे हो, चाहे मौजूदा प्रदेश की सरकार हो या पूर्व सरकार हो। गुन्नौर जैसे क्षेत्र की बात करूं या मैं पूरे जिले संभल की, गुन्नौर को हमेशा लूटते ही चले आए हैं। जो मुख्यमंत्री लेवल की सीट रही हो, जहां से मुख्यमंत्री दिया हो और वहां एक यूनिवर्सिटी का ना होना, किसी अस्पताल का ना होना, मुद्दा ही तो है वहाँ। केवल विकास अगर आप देखने की बात करेंगे तो वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के बहुत विकास हुए हैं, लेकिन उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रेम ब्रेम नहीं झलकता, हम नेताजी के अनुयायी, मुलायम सिंह जैसा नेता इस देश में पैदा नहीं हो सकता, और समाजवाद का सोच ही इस देश को आगे बढ़ाएगा, और उसी सोच को भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर जी, ये सब समाजवादी सोच के लोग थे। चौधरी चरण सिंह, ये समाजवादी सोच के लोग थे। बीजेपी उन्हें
मथुरा के थाना कोसी कला के पास शरी धाम में कोकिला वन की परिक्रमा लगा रहे कैबिनेट मंत्री के प्रस्तावक और ग्राम प्रधान पैगाम की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी करने और प्रधान के साथ साथ साथी की तलाश करने की भी मांग की है। जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास किया। तीसरे चरण के मतदान प्रक्रिया को लेकर महोबा सदर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक व बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके साथ भाजपा सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। बता दें कि तीसरे चरण में आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। महोबा सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राकेश गोस्वामी ने सादगी से अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी और बीजेपी सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से खास बातचीत भी की। चुनाव के लिए महोबा सदर से बीजेपी के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी राकेश गोस्वामी जी ने नामांकन किया है और हमारे साथ हैं राकेश गोस्वामी जी हैं। विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर आप दोबारा जनता में जाएं, जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा तो एक ही मुद्दा रहा है, जनता की सेवा करना। और वाजपेयी जी, आप हमेशा देखते रहे हैं कि पूरे कार्यकाल में मैं हमेशा सब लोगों को उपलब्ध रहा हूँ। रात के 12 बजे भी अगर किसी ने मेरी घंटी खटखटाई है या मेरे मोबाइल का फ़ोन बचा है तो मैंने उनकी सेवा करने का कोई मौका नहीं चूका है। और आगे भी मैं महोबा के विकास के साथ साथ जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझता हूं और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं। आगे भी मेरा यही एजेंडा है कि हमारे दरवाजे से हमारे को आवाज़ देने वाला कोई व्यक्ति निराश ना हो पाए और उनकी सेवा में तत्पर करता रहूं। और जितनी योजनाएं सरकार की हैं उन सभी योजनाओं को धरातल पर लागू करने का कार्य करूँगा। समाजवादी पार्टी ने भी एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया, तो ऐसे में क्या आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कितना चुनौती मानते हैं? आप देखिए, एक समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, मेरा कभी आलोचना करना कभी मेरा धर्म नहीं रहा है। मैंने कभी अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन जब से मेरा रहा है, मैं कभी विरोधियों के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ, ना उनको किसी तरह से। आप खुद स्वयं सोच लें कि सापा ने ऐसा पार्टी उतारा है जो 15 साल से समाज से गायब था। अब आप मेरे लिए जो मैं 15 साल से लगातार सेवा कर रहा हूँ, 15 साल से वह हमेशा कमरे के अंदर रहे हैं, ऐसे में उनसे मुझे क्या चुनौती मिल सकती है, आप स्वयं निर्णय। सियासी गलियारों में एक चर्चा है कि राकेश गोस्वामी जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और बेहतर चुनाव लड़ते हैं, नाराज लोगों को मनाने में भी आपको एक महारत हासिल है। क्या लगता है जो आपसे नाराज है उनको मना पाएंगे और दोबारा एक बार फिर बीजेपी के कमल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे? देखिए, हमारे रहीम दास जी कहे, रहीमन टूटे सो जन मनाइए, जो टूटे 100 बार रहीमन फिर गोइए, टूटे मुक्ता हार। तो हमारे अपने जो साथी हैं, स्वाभाविक तौर पर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पद पर होता है तो सबको संतुष्टि नहीं कर पाता, लेकिन किसी की नाराजगी मेरे प्रति ऐसी विशेष नहीं है कि मैंने किसी का बुरा कर दिया हो, किसी का नुकसान कर दिया हो, किसी को जेल भेज दिया हो, किसी की संपत्ति का हरण कर लिया हो, किसी पे काबिज हो गया हूँ, या अपने किसी साथी के द्वारा मैंने ऐसी कोई कार्य। तो मेरे प्रति अगर थोड़ी बहुत कोई नाराजी है तो मैं जानता हूँ कि मैं उनको मनाने के सक्षम हूँ और मैं उनको मना लूँ। किससे टक्कर मानते हैं आप महोबा विधानसभा में? टक्कर मेरी किसी से नहीं है, टक्कर मेरी होती नहीं। दरअसल मैं 60% से ऊपर पहुँच चुका हूँ, 40% में वो सब है। अब उनमें टक्कर है तीनों में, सपा, बसपा और कांग्रेस में, कि दूसरे नंबर पे कौन आ जाए। तो राकेश गोस्वामी जी महोबा से जीत के जाएंगे और लखनऊ में योगी पहुंचेंगे, कंफर्म है? योगी जी तो पहुंच रहे हैं 350 सीटें लेके, और उसमें एक सीट राकेश गोस्वामी की, महोबा सदर की भी होगी, ये आप निश्चित विश्वास करिए, ऐसा मेरे चंद्रका मैया पे मुझे भरोसा है। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा सदर विधायक व बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी, जो वास्तव में चुनाव लड़ने में माहिर माने जाते हैं। चर्चाएँ ऐसी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो काम किए हैं अपने विकास कार्यों को लेकर और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर उन्हें विधानसभा पहुंचने की आशा और उम्मीद बरकरार है। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज, महोबा।
सदर विधायक के नामांकन में आए उमर पुष्पेन सिंह चंदेल हमीरपुर महोबत इंदवारी के सांसद हैं हमारे साथ, और सांसद जी से जानते हैं। सांसद जी, पिछली अलीगढ़ की खैर 71 विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चारू केन के पति कार्तिक चौधरी सेठ जेठ दीपक चौधरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इसी पर चारू के ससुर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का आज ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया है। इसी दौरान सर्व समाज में जिला बदर की कार्रवाई को लेकर बहुत गुस्सा देखा गया। इस मौके पर आसपास के 20 प्रधान और मौजूद रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बातें कही। बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का, पूरे खैर विधानसभा क्षेत्र का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है बसपा से। मेरे कार्तिक बेटे की बहू चारू केन प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। इसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। वो नहीं चाहते कि सब जनता के पास, जनता की सेवा में कार्तिक चौधरी पहुंच सके। चारू केन को ये सरकार, ये यहाँ का प्रशासन चुनाव हराना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता उसको चुनाव जिता कर रही है। वही महाराजगंज में इंडो नेपाल सीमा से सटे कस्बा ठूटरी बारी में खुफिया विभाग की सूचना पर एसडीएम और सीओ निचलौल के नेतृत्व में भारी दलबल के साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान संदिग्ध दवाएं और भारी मात्रा में दवाओं के खाली रैपर बरामद किए गए हैं। बरामद दवाओं और दवाओं के खाली रैपरों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट से सटे रजिस्ट्री कार्यालय में हंगामा हो गया। फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले युवक की महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। एसपी सिटी ने कहा कि मामले में जांच करवाई जा रही है। वहाँ के रहने वाले हैं सेवा शंकर पांडे, उनके पुत्र उपेंद्र पांडे हैं, जो खुद को सीबीआई बना के धौंस जताते हैं। कई बार हम लोग साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। इन्होंने हम लोग की जमीन जो है 2017 में ये बोल के कराया, हमारे मौसी के भाई हैं और वो उनके लड़के हैं, हमारी जमीन ये कह के इन्होंने करवाया कि हम इस पर कॉलेज बनाएंगे। जो है हमारी भी जमीन है, आपकी भी जमीन है, सब मिला के कॉलेज बनेगा, हम भी लाभ कमाएंगे आप। इसकी वजह से हमने इनको जो है कर दिया, और उसके बाद ये बेमानी कर रहे हैं। ना तो इन्होंने कॉलेज बनाया है और ना तो मेरी जमीन को वापस कर रहे हैं, प्लस मेरा जो मकान बना हुआ है उसको भी ये गिराने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके ही माध्यम से ये जानकारी मिली थी और इसको मैंने अभी कोतवाल से बात किया है, अपने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर से। ये संज्ञानित हुआ है कि कचहरी परिसर में कोई बैनामे को लेकर के एक महिला द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसके नाम पर यह आरोपित है कि वो उसको किसी झांसे में रख करके उसका बैनामा करा लिया है, उसी परिदृश्य में ये सूचना आई है। अभी तक की जांच से जो वीडियो आपने दिखाया है, ऐसे मेरे द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि जो भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र आता है। रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी लाभ लेने के लिए रेलवे की जमीन पर दबंगई के साथ कई एकड़ भूमि पर अस्थायी गौशाला बना दी गई है, जिसमें आसपास के कई गांव के सैकड़ों गौवंश को लाद कर बंद कर दिया गया है। खुले आसमान में कड़ाके ठंड के चलते कई जानवरों की मौत भी हो गई थी, लेकिन मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब गौशाला के अंदर खड़े जंगल में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की सतर्कता के चलते गौवंश आग की चपेट में नहीं आ पाए हैं। गोरखपुर के झगहा थाना क्षेत्र के रहने वाले दो छात्रों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल किए गए छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसने खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार छात्र अभियुक्त बलात्कार के केस में साल 2019 में 8 महीने जेल काट कर बाहर आया था। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि बीते जनवरी को झगहा थाना क्षेत्र में एक गाँव से दो छात्रों के शव
गड्ढे से पुलिस ने बरामद किए थे, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिनके उन्हें गड्ढे में दफनाया गया था। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे में एसओजी स्थानीय पुलिस और सर्विलांस की मदद ली गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने दो हत्यारों को गिरफ्तार किया है। लड़कों की डेड बॉडी मिली थी तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है, उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सबकी मदद से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना गोरखपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अवैध संबंधों के शक में युवकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरी हत्या का सफलता से अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।